हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दिस इज अरुण पांचाल। ओके, तो गाइज आज का जो सेट है हमारा, इट्स वेरी ब्यूटीफुल सेट। ठीक है, लॉजिकल डीआई है, लॉजिकल या आप उसको मैक्सिमम या मिनिमम जो भी आप नाम देना चाहते हो, ठीक है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इट्स ए सिंपल सेट ऑन ऑब्जर्वेशन। ठीक है, हालांकि सिंपल नहीं है, लॉजिक आपको लगाना पड़ेगा। बहुत अच्छा सेट है, मेरे हिसाब से पूरा परफेक्ट है एसबीआई पीओ मीन्स। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ पीओ के लिए ही है, क्लर्क के लिए भी है ना, बट आप इस क्वेश्चन के पीछे का आप एजेंडा देखो, जो भी कॉन्सेप्ट है उसको कैसे आप डील करोगे, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो डूएबल सेट में कहूँगा, बहुत ज़्यादा इसमें डाइसी नहीं है या बहुत ज़्यादा आपको एफर्ट लगाना पड़े। हाँ, थोड़े से लॉजिक्स आपको ज़रूर लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो कितनी जल्दी आप उसको उस डायरेक्शन में लेकर जाते हो, वही इस पूरे सेट में आपको मिलेगा। तो चलिए एक बार हम लोग देख लेते हैं। देयर इज एन इंटरनेशनल साइकोलॉजी कॉन्फ्रेंस 2019 वाज ऑर्गेनाइज्ड एट दिल्ली इन दिल्ली व्हाटएवर इन अप्रैल 2019। ओके, इन दिस कॉन्फ्रेंस डिफरेंट नेमली कंट्री इज व्हाट, इंडिया, यूएसए एंड न्यूजीलैंड एंड इटली पार्टिसिपेटेड। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये थी कि इसमें चार कंट्री आपकी क्या कर रही है, पार्टिसिपेट कर रही है। ओके, चलिए, ईच रिसर्चर रिप्रेजेंटेड हिज और हर रिसर्च ऑन एग्जैक्टली वन ऑफ द टॉपिक, नेमली बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी बीपीडी, सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर, एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर एंड सीजोफेरिया, वट एवर जो भी है। ठीक है, एस जेड पी दिया हुआ। ठीक है, तो गाइज अभी तक ये इन्फॉर्मेशन है कि मेरे पास चार कंट्री है ना, और चार कंट्री में से कुछ पर्संस इसने दिए हैं, एक कोई भी पर्संस है, और वो चार कंट्री में चार टॉपिक पे आपके रिसर्च कर रहे हैं। दिस इज वट एवर बीपीडी है ना, एक सैड दिया हुआ है इसने, एपीडी दिया है, और लास्ट क्या है, एसजेडपी दिया हुआ है। ठीक, और एक पर्सन जो है, एक पर्सन एक टॉपिक पे ही रिसर्च करेगा, यानी एक पर्सन दो से ज्यादा, एक से ज्यादा टॉपिक पे रिसर्च नहीं कर सकता। ठीक है, द फॉलोइंग पाई चार्ट शोज द ब्रेकअप ऑफ रिसर्चर्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज पार्टिसिपेटिंग इन द कॉन्फ्रेंस। ओके, तो गाइस ये जो दिया हुआ है पाई चार्ट, ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है क्या, जो टोटल नंबर ऑफ पर्सन है, समझना। मान लो मेरे पास 200 पर्सन है, तो उसमें से जो न्यूजीलैंड से जो बंदे हैं, न्यूजीलैंड से कितने परसेंट है, यहाँ पर न्यूजीलैंड दिया हुआ 10%। तो यानी न्यूजीलैंड से रिसर्च करने वाले कितने परसेंट होंगे, 10, यानी 10 मतलब कितना हो जाएगा, 20। ठीक है, तो इसका बाइफर्केशन भी बहुत सिंपल है, पाई चार्ट में मुझे पता चल रहा है 10, 20, 30 एंड 40, टोटल पर्संस का इतना है, बट इसने टोटल पर्संस आपको नहीं दिया। ठीक है, और लास्ट लाइन को क्या बोल रहा है, द टेबल गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ रिसर्चर्स फ्रॉम डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स हु पार्टिसिपेटेड इन द कॉन्फ्रेंस। ठीक है, तो बीपीडी यानी अगर मैं बात करूँ, देखो बीपीडी पे रिसर्च जो कर रहे हैं वो इटली से कितने पर्सन है आपके पास, 18, इंडिया से कितने हैं, 17, न्यूजीलैंड से कितने, 7, बट यूएसए का इसने डाटा नहीं दिया होगा। एसएडी पे जो रिसर्च करने वाले 19 हैं पर्सन जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है या रिसर्च करने हैं, दे आर फ्रॉम यूएसए 19, जो एसएडी पे आपके रिसर्च कर रहे हैं। ठीक, तो मेनली टोटल नहीं है मेरे पास, मेन इंपॉर्टेंट ये है कि मैं टोटल कैसे डील करूँगा। ठीक है, सेकेंड कुछ इन्फॉर्मेशन मिस है मेरे पास, तो उस इन्फॉर्मेशन को या उस डाटा को क्या मैं निकाल पा रहा हूँ या नहीं निकाल पा रहा, यही मेरा टारगेट है। And all the missing values in the given table is a natural number. Okay, तो is a different natural number, guys. ठीक है, तो ये आप बात ध्यान रखिएगा कि टेबल में जो भी हमारे पास मिसिंग वैल्यूज आएगी वो सारी क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। ठीक है, और ये क्या बोल रहा है, नेचुरल नंबर, तो इंपॉर्टेंट क्या है, नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं मेरे पास, 1, 2, 3 एंड 4। तो गाइज एन जीरो नहीं हो सकता, कोई भी ऐसा पर्सन नहीं होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल बीपीडी पे यूएसए से कोई भी पर्सन जीरो नहीं होगा, कोई ना कोई एक पर्सन तो मेरा होना चाहिए, और सारी जो वैल्यूज आएंगी ये जो भी आपकी इस वाले स्लॉट में दी हुई है, दे आर ऑल आर फ्रॉम डिफरेंट वैल्यूज। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन हम लोग इस पे देख लेते हैं क्या क्या इसमें दिया हुआ। मैंने क्या किया कि जो भी गाइज वैल्यू थी मिस, उनको आप मिस जो वैल्यू थी, मिसिंग वैल्यू, उसको अपने मैंने एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया, ए बी सी एंड डी, है ना। अब मुझे जो काम करना है इन वेरिएबल्स पे काम करना है। ठीक है, चलिए, तो क्या बोल रहा है, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रिसर्चर्स फ्रॉम फोर कॉन्टिनेंट्स हु पार्टिसिपेटेड इन द कॉन्फ्रेंस। तो गाइज मुझे टोटल का, यानी जो टोटल पर्सन है उसका मुझे क्या निकालना है, मिनिमम निकालना है। ठीक है, तो यूएसए से कितने थे, इटली से कितने थे, इंडिया से कितने थे, न्यूजीलैंड से, सबका मुझे क्या निकालना है, सम निकालना है। ठीक,
तो मिनिमम सम निकालना है, तो सबसे पहले आप टोटल निकालो, है ना, उसके बाद कैसे प्लान करते हैं वो हम लोग देखते हैं। देखो टोटल अगर मैं इसका निकालूंगा, दिस इज 55 एंड 34 कितना होता है, 9 और 4 13 13 5 18 5 9 10, दिस इज 108 प्लस। ओके नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट को क्या बोल रहा, 8 8 16 17 18 16 17 18 19 9, तो ये आ गया अपने पास, 2 2 4 5 6 69 प्लस। ठीक नेक्स्ट कितना दिया, 15 15 45 45 और 4 एक्स्ट्रा था, 2 एक्स्ट्रा इधर से है, 51 आ जाएगा, दिस इज 51 प्लस सी। और नेक्स्ट आप देख लो, दिस इज 18 एंड 5 22 एंड 23 प्लस। तो मुझे जो टारगेट करना है, मुझे किस पे टारगेट करना है, मुझे इन सब का सम को क्या करना है, मिनिमम करना है। ठीक है, तो आप इन सब के सम को आप ऐड कर लो, है ना। अभी देखते हैं आगे कैसे प्लान करेंगे, अभी मुझे वेरिएबल्स की वैल्यूज नहीं पता, यही मेरा टारगेट है। दिस इज 108 प्लस ए प्लस 69 प्लस बी प्लस 51 प्लस सी एंड दिस इज 23 प्लस डी। ठीक है, तो आप इस सबको ऐड कर लो, है ना, दिस इज ए बी सी एंड डी वेरिएबल्स आप साइड कर लो, एंड 6 5 11 और एक कितना आ जाएगा, 120 तो ये हो गया मेरे पास, और 143, तो 143 एंड 108 कितना होता है, दिस इज 200 और 851, तो दिस इज 251 प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये मेरे पास आया सम, और मुझे इस सम को मिनिमम करना है। अब आप देखो गाइस, 251 तो आपका क्या है, एक फिक्स वैल्यू है ना, मुझे जो मिनिमम करना है वो ए बी सी डी को मिनिमम करना है। अगर ये पूरा सम, ये पूरा सम अगर मिनिमम होगा, है ना, तब जाके मेरे पास जो भी रिक्वायरमेंट है पूरे सम की वो क्या हो जाएगी, मिनिमम। तो अब ये पूरा सम कैसे मिनिमम होगा, जब तक ए बी सी एंड डी सबकी मिनिमम से मिनिमम वैल्यू नहीं होगी तब तक ये सम मिनिमम नहीं होगा। अब मेरे को टारगेट ये पता चला कि हाँ, कि मुझे ए बी सी डी की वैल्यू निकालनी है, और वो भी कौन सी निकालनी है, मिनिमम टू मिनिमम वैल्यू मुझे निकालनी है। ठीक, अब इस टेबल के अलावा और तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है मेरे पास। हाँ, ये इन्फॉर्मेशन जरूर है, क्या है कि टोटल का इसने परसेंटेजेस दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आप डिनोट कर लो, न्यूजीलैंड 10%, यूएसए, दिस इज न्यूजीलैंड, दिस इज यूएसए, एंड दिस इज इटली, इटली एंड दिस इज इंडिया। ओके, तो आप इसको डिनोट कर लो यहाँ पर, एक इन्फॉर्मेशन जो ये है, अब मैं इसको यूज करूँगा। ठीक है, और मुझे मिनिमम वैल्यू चाहिए, यूएसए कितना था, 40, इटली कितना था आपके पास, 30, इंडिया था अपने पास 20, और न्यूजीलैंड कितना था, 10%। ठीक, अब आपको यहाँ थोड़ा सा इंटरकनेक्शन करना पड़ेगा। आप देखो कि न्यूजीलैंड के जितने भी स्ट्रेंथ होगी उसका अगर आप 2 टाइम्स करोगे, है ना, तो वो किसकी स्ट्रेंथ आनी चाहिए, इंडिया की, है ना। वेरिएबल्स कनेक्ट करने ए बी सी, आप जैसे मर्जी देख लो, इन चारों में एक रेशियो आपको दिया हुआ है, क्या रेशियो दिया, 4:3:2:1 आपको। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि न्यूजीलैंड का अगर मैं पार्ट लेता हूँ, न्यूजीलैंड का जो भी पार्ट है उसका दुगना करोगे तो वो इंडिया के इक्वल आ जाएगा। तो इंडिया का कितना था, दिस इज 51 प्लस सी, समझना, है ना, एंड दिस पार्ट इज इक्वल टू वॉट, 2 टाइम्स ऑफ 23 प्लस कितना आ जाएगा, डी आ जाएगा, दिस इज 51 प्लस सी and this is equal to what, 2 into 23 अगर आप करते हो, this is 46 plus 2d आ जाएगा, और एक equation मेरे पास आ गई, this is 2d minus c, this is 2d minus c equal to 5। ठीक है, तो I hope this part is clear, एक equation मैंने बना ली। अब मुझे डील कैसे करना है अभी नहीं पता, ए बी सी डी यानी चार वेरिएबल है, तो मेरे पास कम से कम 3 या 4 जो भी एक इक्वेशन होनी चाहिए। सेकंड, आप क्या करो, किसी को भी ले लीजिए आप, यानी इटली और इंडिया का रेशो अगर आप निकाल सकते हो 2 और 3 के रेशो में, आप उसको कन्वर्ट कर लो, या सिंपल है कि मुझे न्यूजीलैंड से पता चल रहा है 2 टाइम 3 टाइम एंड 4 टाइम, जरूरी नहीं है कि मैं सिर्फ न्यूजीलैंड एक ही कंट्री से ले रहा हूँ, जैसे मर्जी आप डील कर सकते हो। इंडिया इटली का रेशो 2:3 कर लो, है ना, फिर यूएसए एंड इटली का रेशो 4:3 करके आप उन दोनों को आपस में डील कर सकते हो। ठीक, मैं इसलिए 4 एंड 3 के चक्कर में नहीं पड़ रहा क्योंकि मुझे डायरेक्टली पता है 2 टाइम 3 टाइम एंड 4 टाइम। तो न्यूजीलैंड का अगर आप 3 टाइम्स करते हो तो वो किसके इक्वल आएगा, 69 प्लस बी। ठीक, तो दिस इज 69 प्लस बी, इसका आपने 3 टाइम्स किया, दिस इज 23 प्लस डी, एंड दिस इज 69 प्लस बी एंड इज इक्वल टू 69 प्लस 3 डी, दिस इज बी and this is d, this is cancel out, तो b की जो value निकल कर आ गई, this is 3 times of d मेरे पास आ जाना चाहिए।
आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। ठीक है, ये आ गया मेरे पास सेकंड क्वेश्चन। लास्ट मेरे पास और इंटरकनेक्शन बचा है यूएसए वाला, तो मैंने क्या किया, दिस इज 108 प्लस ए है ना, और ये आपका कितने टाइम्स आएगा, 4 टाइम्स आ जाएगा ऑफ 23 प्लस। तो 108 प्लस ए इक्वल टू 4 टाइम्स, यानी दिस इज 92 प्लस डी। तो मेरे पास एक इक्वेशन थर्ड वाली और आ गई, क्या आ गई, दिस इज 23 का 4 टाइम, डी का भी 4 टाइम होगा यहाँ पे, सॉरी दिस इज 4D ए 4D ओके, एंड 108 एंड 92 यानी 16 बचा, माइनस ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, 16 बचा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ठीक है, ये थर्ड इक्वेशन। अब गाइज आपके पास तीन इक्वेशन है और आपके पास क्या है, वेरिएबल्स भी आपके पास कितने हैं, 4 है ना, तो आराम से आप एक वेरिएबल में सबको कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक, अब आप देखो कोई भी इक्वेशन आप देख लो भाई, इससे देख लो, जिस मर्जी से आप देख लो, लास्ट वाली यही थी इसी से हम लोग देख लेते हैं। अब आपको वैल्यू ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, मिनिमम या मैक्सिमम कोई भी एक वेरिएबल ले लो। ठीक है, मुझे मिनिमम वैल्यू निकालना है, समझना। क्या मैं ये लिख सकता हूँ, 4D इक्वल टू दिस इज 16 प्लस ए है ना, और D की जो वैल्यू निकल कर आ गई, दिस इज 4 से डिवाइड करो, 4 प्लस कितना आएगा, ए 4 प्लस ए बाय। अब आपको चाहिए क्या, मिनिमम वैल्यू चाहिए और नंबर ऑफ पर्सन पॉइंट में पॉसिबल नहीं, ये इंपॉर्टेंट पार्ट था। अब आप देखो ए की मिनिमम से मिनिमम वैल्यू आप क्या लोगे, देखो ए यहाँ पर किसका मल्टीपल है, 4 का है, अगर यहाँ तक 4 होना चाहिए ए पे, 4 की 4 8 या 6 4 8 या 12 ये सब चीज़ें होनी चाहिए है ना, 16, तब जाके ए की क्या होगा, 4 से डिविजिबल होगा है ना, तो दिस इज वेरी श्योर ए शुड बी अ मल्टीपल ऑफ। अब मुझे मिनिमम चाहिए, तो मिनिमम चाहिए तो ए की मिनिमम से मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए गाइज, आप खुद सोचो, दिस इज वेरी सिंपल, 4। अगर यहाँ ए की वैल्यू 4 आ जाती है तो दिस इज 1, 4 प्लस 1, डी की वैल्यू कितनी आ गई, 5। ठीक है, हमारा काम बन गया, ए को मैंने 4 पुट किया, डी को मैंने कितना आ गया, फिर 5। गाइज अगर ए 4 है डी 5 है, तो यहाँ से आप देखो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस इज 3 टाइम्स ऑफ 5, 3 इंटू 5 कितना हुआ डी, यानी 15। एंड सी की जो वैल्यू आ जाएगी, दिस इज 1, दिस इज 2 टाइम्स ऑफ 5, 10 एंड माइनस 5, दिस इज इक्वल टू सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। सी की वैल्यू आ जाएगी 5, बट ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि इसने स्टार्टिंग में ही हमें बोला था, क्या बोला था, कि ऑल आर डिस्टिंक्ट या डिफरेंट नेचुरल नंबर्स थे, तो ये वाली वैल्यू मैं एक ही नहीं लूंगा, मुझे सेकंड वैल्यू लेनी पड़ेगी, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, ये पेयर पॉसिबल नहीं है। ठीक, तो नेक्स्ट एक जो होना चाहिए मल्टीपल, 4 का नेक्स्ट मल्टीपल कितना है, 8, तो सिंपल है, ए को अगर आप 8 रखते हो है ना, तो डी मेरे पास कितना आ जाएगा, दिस इज 8, 4 का 2 टाइम्स 6 आ जाएगा, डी 6 आ गया, तो बी की जो वैल्यू थी 3 टाइम्स ऑफ डी है, 6 इंटू 3 18 आ जाएगा, एंड सी की जो वैल्यू आएगी, सी मुझे कितना दिया हुआ, दिस इज 2 इंटू डी, वेयर इज डी, डी 6 आया, माइनस 5, यस, तो 12 में से 5 गया 7, यस गाइस, तो दीज आर द मिनिमम। तो ये आराम से मेरा एक पेयर बन गया और मुझे इस पूरे की मिनिमम चाहिए थी, सॉरी, तो दिस इज 251 प्लस दिस इज 8, 6 एंड 18 एंड 7, ओके, तो दिस इज 14 एंड 32 39, तो 251 प्लस 39 यानी 40 50 90, दिस इज 290, यस, I think I didn't make any mistake in calculation. Let me check. 14, yes, 32, 39 and 1, 50, 40 and 90. Yes. So answer of this question is option number C. तो logic, देखो कैसे कितनी जल्दी आप उस direction में पहुंच पा रहे हो, वो सबसे ज़्यादा important है. ठीक है. एक बार आपको click कर गया कि हाँ मुझे ऐसे deal करना है, फिर values optimize ज़्यादा नहीं है इसमें ना, बहुत ज़्यादा आपको values put करके नहीं देखनी पड़ रही है. एक मॉडरेट सा है वैल्यू ऑप्टिमाइजेशन, बट इंपॉर्टेंट ये है कि आप उस डायरेक्शन में कितनी जल्दी पहुंच जाए. ठीक, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। इफ द नंबर ऑफ रिसर्चर्स ऑन SZP, नंबर ऑफ रिसर्चर्स ऑन SZP, ओके, विच कंट्री, कंट्री नहीं बोला इसमें, तो टोटल, हाँ यस, नंबर ऑफ रिसर्चर्स ऑन SZP was more than number of researchers on any subject. Okay, तो guys जो SZP पे जितने भी बंदे research कर रहे हैं वो ना
आपके एस जेड पी पे जो भी रिसर्च करो किसी से भी, सबसे ज्यादा है ना एनी लिख दिया, एनी अदर कोई भी आप पकड़ लो है ना सब्जेक्ट, उससे ज्यादा एस जेड पी शुड बी ग्रेटर देन एपीडी है ना, तो वो एस ए डी से भी ज्यादा होगा, बीपीडी तीनों से ये ज्यादा होना चाहिए एस जेड पी, ठीक। एक इसने कंडीशन दे दी, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ रिसर्चर्स फ्रॉम यूएसए हु पार्टिसिपेटेड इन द कॉन्फ्रेंस, तो यूएसए के मैक्सिमम निकाला, तो गाइज यूएसए का टोटल कितना आया था 108 प्लस। अब आप देखो ये मैक्सिमम कब होगा, मुझे जो टारगेट करना है 108 प्लस ए की मैक्सिमम निकाल, तो ये तो फिक्स्ड है, ये मैक्सिमम कब होगा, मुझे टारगेट करना है किस पे, ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए मैक्सिमम, तो मुझे ए की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक। ये मुझे पता चल गया। और एक कंडीशन इसने और दी है, एस जेड पी तीनों से ज्यादा होगा है ना, तो एक एक बार हम लोग कंडीशन को क्या करेंगे सेटिस्फाई। तो पहले आप टोटल देख लो, एस जेड पी कितना दिया हुआ है, तो दिस इज 55, 22, 15, यस दिस इज 70 and 92, दिस इज 92 प्लस, ओके नेक्स्ट आप आ जाओ, दिस इज 34 and 29 और 5, 29 और 5 होता है मेरे पास कितना, 9, 5, 14, 34, दिस इज 68, यस दिस इज 68 प्लस सी। नेक्स्ट आप आ जाइए, दिस इज 19, 38 and 11, 47, यस 47 प्लस। नेक्स्ट आप आ जाओ 18 and 8, 15 यानी 35 and 7, 42, दिस इज 42 प्लस ए, दिस इज 42 प्लस। आई होप गाइस, ठीक है। अब आप देखो कि मेरे पास चार वेरिएबल है ना, स्टार्टिंग में मैंने क्या किया था, ये इक्वेशंस सॉल्व, 2D-C=5 है ना, इसको भी मैं एक बार लिख लेता हूँ, दिस इज 2D-C=5, B=3D है ना, और नेक्स्ट आप आ जाइए क्या दिया हुआ था, दिस इज 4D-A=6, ठीक। जरूरत पड़ेगी तो हम लोग देख लेंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी ये कन्वर्ट चीजें की हुई है। अब आपको कैसे डील करना है, अब आपको A की वैल्यू मैक्सिमम डील करना है। कंडीशन क्या है, एस जेड पी का जो टोटल होगा, फर्स्ट कंडीशन मैं लेके चल रहा हूँ फर्स्ट, कि ये श्योर है कि 92 प्लस डी शुड बी ग्रेटर देन कोई भी एक ले लो, ये वाले ले लो बीपीडी है ना, वो बीपीडी से ज्यादा होगा, दिस इज 42 प्लस ए, ठीक है, ये तो श्योर है। अब आप जैसे मर्जी आप डील कर लो, कैसे है? कि एक वेरिएबल में देखो ए और डी का कनेक्शन दिया हुआ है ना, जिसको जैसे मर्जी आप कन्वर्ट कर सकते हो। अब आप देखो मैं इसमें कैसे इंटरकनेक्शन निकालूं, कैसे निकालूंगा, क्योंकि मेरे पास दो वैल्यू है, मैं किसी की मिनिमम या मैक्सिमम तो अभी फिलहाल नहीं निकाल सकता। मैंने क्या किया कि ए की जो वैल्यू थी वो पुट कर दी 4D, क्योंकि अगर ए का डी का मेरा डिसाइड हो गया क्या है मिनिमम मैक्सिमम, जो भी एक डी की वैल्यू डिसाइड होगी तो ए की भी वैल्यू मैं निकाल सकता। यहाँ पे मैं ए में भी कन्वर्ट कर सकता था, डी को कन्वर्ट कर सकता हूँ ए में, बट वो डिविजिबल में आ रहा था डिवाइड बाय 4। जैसे मर्जी आप कन्वर्ट कर लो, मेरा कहने का मतलब आप जैसे मर्जी कन्वर्ट कर सकते हो है ना, तो यहाँ पे डिवाइड बाय 4 आया था, इसलिए मैंने क्या किया ए को रख दिया, थोड़ा सा मैं फ्रैक्शन से बच जाऊंगा, दिस इज 4D-16, ठीक। अब देखा 92 प्लस डी ग्रेटर देन 42 प्लस है, तो 92 प्लस डी शुड बी ग्रेटर देन 42 प्लस 4D-16। आई होप दिस इज क्लियर। तो 50 तो ये आया, 50 प्लस 16 66 आ गया, 66 शुड बी ग्रेटर देन 66, दिस इज 66, 50 और 16 ऐड कर दिया मैंने, यानी 50 होगा श्योर, 50 और 16 कितना होता है 66, यस 66, 4D एंड D कितना आ गया 3D। यहाँ पे D को डिवाइड जब मैं करूँगा तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा 3 का कितना टाइम आया 2 and 2, 22 शुड बी ग्रेटर देन D आ गया, ठीक है। तो यहाँ मुझे पता चल गया D की जो वैल्यू है शुड बी लेस देन 22। अब लेस देन 22 है तो बहुत सारी वैल्यूज है ना, लेस देन 22 मैं कौन कौन सी वैल्यू पुट कर सकता हूँ, 21 है ना, और 20 क्योंकि नेचुरल नंबर है, 19, ठीक है, ये रिलेशन मेरे पास निकल कर आया। बट आप देखो कि मेरे पास और भी तो कंडीशन है, क्या कंडीशन है सेकंड, कि मेरे को ये भी तो दिया हुआ, अभी तो मैंने एक बार कंपेयर किया है 92 प्लस डी को 42 प्लस एच, तो क्या मेरे पास और पॉसिबिलिटी नहीं निकल सकती, बिल्कुल निकल सकती है, सारी पॉसिबिलिटी चेक कर, 92 प्लस डी शुड बी ग्रेटर देन, वो एस ए डी से भी ग्रेटर होगा, शुड बी ग्रेटर देन 47 प्लस, ओके।
अब ये 47 प्लस बी मेरे पास जो आया है, अब आप बी को कन्वर्ट करोगे, बी की वैल्यू किसमें कन्वर्ट हो सकती है, 3d, तो दिस इज 92 प्लस डी शुड बी ग्रेटर देन 47 प्लस 3d, 47 प्लस 3d यू गाइस, तो 50 अगर मैं यहाँ रखता हूँ है ना, तो 42 यस दिस इज व्हाट 92 में से मुझे सब्ट्रैक्ट करना है 47, तो 3 तो ये हो गया 50 है ना, और 40 वो हो जाएगा, दिस इज मैंने क्या कर दिया यार, ऐसी कर लो ना, दिस इज 92 47, 12 में से 7 गया, कितना बचा मेरे पास 5 आ जाएगा, ठीक है, और 8 में से 4 गया, 8 में से 4 गया तो 4 है 40, ओके सो नंबर्स थोड़े से है ना, आई थिंक दिस इज 45, यस हाँ ओके गाइस दिस इज 45, 45 शुड बी लेस ग्रेटर देन 2d एंड द वैल्यू ऑफ डी इज ग्रेटर देन शुड बी ग्रेटर देन सॉरी डी शुड बी लेस देन 22.5 लेस, तो एक रिलेशन मेरे पास ये आ जाएगा, ओके तो एक बार चेक करो कहीं कंफ्यूजन कहीं गड़बड़ तो नहीं की मैंने, 12 में से 7 गया 5, 45 ही आ रहे हैं, और 47 प्लस डी था ये, दिस इज 19, 1938, दिस इज नॉट 47, दिस इज 49, दिस इज 49, ओके तो 49 मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पर 43 आएगा, ठीक है, दिस इज 43 एंड 2d, दिस शुड बी 21.5, ठीक है, तो गाइस यहाँ पर d 22 से कम था है ना, यहाँ पर d 21.5 से कम है, ठीक है, अभी तो इसी रेंज में हम लोग और डिसाइड नहीं कर पा रहे, नेक्स्ट आप थर्ड आ जाओ, ठीक है, तो थर्ड अगर मैं वैल्यू लेता हूँ, ठीक, तो थर्ड का कंपैरिजन क्या होगा, दिस इज 92 प्लस डी, तो 92 प्लस डी मेरे पास आया है ना, दैट शुड बी ग्रेटर देन दिस वैल्यू 68 प्लस प्लस सी, अब सी को आप कन्वर्ट करोगे, सी को फिर मैं डी में कन्वर्ट करूँ, दिस इज 2d माइनस 5, ओके दिस इज 92 प्लस डी शुड बी ग्रेटर देन 68 प्लस 2d माइनस 5, ओके तो नेक्स्ट आप आ जाओ, वो क्या बोल रहा है, 92 एंड 68 का जो गैप होगा वो कितना होगा मेरे पास, 70 तो हो गया, दिस इज 24 प्लस 29, तो 29 शुड बी ग्रेटर 29 दिस इज 24 प्लस 29 यस 29 शुड बी ग्रेटर देन डी, ये डी आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों का गैप जो था मैंने कितना लिया था, दिस इज 70 अगर होता 22, 24 प्लस 5, दिस इज 29, डी शुड बी ग्रेटर देन 20, सॉरी 29 शुड बी ग्रेटर देन डी, या डी की मैं जो बोल सकता हूँ शुड बी लेस देन 20, अब आप देखो, अब आपको मैक्सिमम करना क्या था, मैंने मैक्सिमम वैल्यू निकालनी थी किसकी, 108 प्लस एक किससे कनेक्टेड था, अब ए की मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकलेगी, दिस 4d माइनस 16, ए की मैक्सिमम वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो ए की मैक्सिमम कब निकलेगी, जब आपके पास डी क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, गाइज अगर ये वाला पार्ट ज्यादा होगा, जितना ज्यादा होगा ये तो फिक्स्ड है ना, तो मेरे पास जो गैप आएगा ये वाली वैल्यू उतनी ही क्या होगी, मैक्सिमम, तो मुझे मैक्सिमम करने के लिए डी की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, अब डी की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, देखो डी शुड बी लेस देन 22, ठीक है 21 ले लिया 20, डी शुड बी लेस देन 29, वो तो ऑलरेडी मुझे पता है, जब 22 में ले रहा हूँ 21 ले रहा हूँ तो लेस देन 29 भी होगा है ना, लेकिन यहाँ आप आ जाओ, ये वाली कंडीशन भी मुझे फॉलो करानी है, डी शुड बी लेस देन 21 पॉइंट, दैट मीन्स डी की जो वैल्यू होगी मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या हो सकती है गाइस, 21, 21 मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है डी की 20, क्योंकि उसने लास्ट जो सबसे मेरे पास लीस्ट रेंज है कि डी की जो वैल्यू 21.5 से कम होनी चाहिए, डी नेचुरल नंबर है तो दैट मीन्स डी शुड बी लेस देन 21 मेरे पास, अब D की वैल्यू आ गई, दिस इज A मेरे पास निकल गया कितना, दिस इज 4 टाइम्स ऑफ 21 माइनस 16, ओके तो दिस इज व्हाट 84 माइनस 16, A की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी मेरे पास, दिस इज व्हाट, यस दिस इज 68, ठीक है।
अब आपने क्या किया था, ए की 68 आई थी और डी की वैल्यू कितनी आई थी मेरे पास 20। गाइज ध्यान रखना कि बी और सी को भी एक बार चेक कर लो कि वैल्यू सेम ना हो, क्योंकि उसने बोला ए बी सी डी व्हाटएवर दे बोथ ऑल आर नेचुरल नंबर्स, डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर्स, तो ऐसा ना हो कभी, क्योंकि डी की तो वैल्यू 21 है, नेक्स्ट क्या होगी 20 होगी, फिर 19 होगी, तो ऐसा ना हो कि ये आपके जो वेरिएबल्स हैं ये सेम आए इस वैल्यू, तो ए एंड डी तो सेम नहीं है। बी की वैल्यू कितनी आएगी इधर से, दिस इज 3 times of 21 यानी कितना हुआ 63। आई होप दिस इज क्लियर। और फिर सी की जो वैल्यू आ जाएगी दिस इज व्हाट, दिस इज 2 times 42। यहीं पे आप चेक कर लो 2 times of D यानी 42 minus 5 दिस इज 36। यस, तो सेम मैंने इसलिए चेक किया क्योंकि सेम वैल्यू नहीं आनी चाहिए, हो सकता है 21 मैंने पुट किया बी या ए या कोई और वैल्यू सेम आ गई, तो फिर नेक्स्ट में वैल्यू पुट करके दिखता 20, तो ये भी आपको ध्यान देना। तो मुझे निकालना क्या था, व्हाट वाज द मैक्सिमम नंबर ऑफ रिसर्चर्स फ्रॉम यूएसए हु पार्टिसिपेटेड इन द कॉन्फ्रेंस। ओके मैक्सिमम, तो 108 प्लस ए का मैक्सिमम वैल्यू कितना है 68, 108 प्लस 68 आप कर दो इसको, दिस इज 176। यस, सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये वाला पार्ट, है ना, कि मैं कैसे डी की वैल्यू को मैनिपुलेट कर रहा हूँ। ठीक, मुझे पता चला यहाँ से कि डी की वैल्यू है कम से कम वो क्या होनी चाहिए 21 से कम होनी चाहिए, 21.5 से, 21.5 से कम लेस सबसे इंटीजर वैल्यू कौन सी थी नेचुरल नंबर 21। मैंने 21 पुट कर दिया, ए की वैल्यू आ गई और फिर बाकी वैल्यू मैंने चेक कर ली कि मेरे पास सेम नहीं होनी चाहिए। ठीक, चलिए तो नेक्स्ट आप आ जाइए, लास्ट क्वेश्चन है इससे रिलेटेड। वो क्या बोल रहा है, इफ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ रिसर्चर्स ऑन बीपीडी फ्रॉम यूएसए, बीपीडी येरा यूएसए बोल रहा है, यूएसए ये टू द रेशियो टू द रिसर्चर्स ऑन एसजेडपी फ्रॉम न्यूजीलैंड, एसजेडपी फ्रॉम न्यूजीलैंड। ओके गाइस, ये रेशियो बोल रहा है ए रेशियो डी, ठीक है, क्या दिया हुआ, वाज ए नेचुरल नंबर, देन व्हाट कैन बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ एन, इट्स अ नेचुरल नंबर। ओके, तो इस नेचुरल नंबर से मुझे क्या पता चला कि a बाय डी है ना, वो मेरे पास फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, ऐसे 4:3 नहीं हो सकता, ये क्या हुआ नेचुरल नंबर, मतलब 1 होगा 2 होगा 3 4 5 6 व्हाटएवर जो भी होगा, है ना, तो इट्स वेरी श्योर कि भाई a बाय डी जो भी होगा वो ऐसे ही हो सकता है ना रेशियो में 3:1, है ना, या फिर 2:1, या मैं बोल सकता हूँ 1:1 तो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि a और d की वैल्यू क्या होनी चाहिए डिस्टिंक्ट, ठीक है, और तो चलो बात की बात है ना, तो 4:1 यहाँ पर मैं 3:2 या और कोई फ्रैक्शन वैल्यू नहीं आ सकती, ये मुझे पता चला। ठीक, तो अब मेरे पास क्या है, व्हाट कैन बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ एन। ओके, तो गाइस मेरे पास एक रिलेशन है ए एंड डी से, मेरे को डील करके देखते हैं, बाकी कोई और की जरूरत पड़ेगी ए, तो यहाँ पर रिलेशन एक बार देखते हैं, मुझे जरूरत है किसकी, डी की अभी फिलहाल, डी और ए का फिलहाल है ना, तो दिस इज 4D - A = 16, समझना, दिस इज 4D - A = 16। ओके, एक तो ये वैल्यू है और यहाँ पर क्या है कि ए एंड डी और जो एन है, एन की मुझे क्या निकालनी है, ये वाली वैल्यू को क्या करना है मुझे, मिनिमम वैल्यू निकालना है, दिस शुड बी मिनिमम। ठीक है, तो एक रिलेशन मेरे पास ये है, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ए की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, डी एन, डी इंटू एन के, ठीक है, और मुझे पता है कि ए की जो वैल्यू है मैं क्या क्या पुट कर सकता हूँ, या तो 1 पुट कर सकता हूँ, या 2 पुट कर सकता हूँ, या 3 पुट कर सकता हूँ, या 4 पुट कर सकता हूँ, करके देख लो, अगर n की वैल्यू 1 के बराबर आ गई तो a किसके बराबर आ जाएगा गाइस, d के बराबर आएगा, जो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि डिस्टिंक्ट होना चाहिए, हटाओ 1 तो होगा नहीं, नेक्स्ट आ जाओ n को आप 2 पुट करो, अगर आप n को 2 पुट करोगे तो a की वैल्यू किसके बराबर आ गई गाइस, 2d के बराबर, जब a की वैल्यू 2d के बराबर आ गई, दिस इज 4D - 2D है ना 16, दिस इज यस 2 के बराबर था ना, दिस इज 4D - A = 16, ए एन को मैंने 2 पुट किया था, तो दिस इज A = 2D, तो ये मेरे पास कितना आया 2D = 16, यस, एंड वैल्यू ऑफ D = 8, क्या ये पॉसिबल है गाइज, बिल्कुल पॉसिबल है, ठीक है, क्योंकि मैंने 2 पुट किया, पॉसिबल है 8 मेरे पास आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आप आ जाओ, मैंने n को जब 1 पुट किया था,
है ना, एन को वन पुट किया था तो पॉसिबिलिटी नहीं बनी थी, टू पुट किया तो पॉसिबिलिटी बनती है। एन को क्या मैं थ्री पुट कर सकता हूँ गाइस? बिल्कुल कर सकता हूँ। आप अगर एन को आप कितना पुट करते हो, थ्री पुट करते हो, समझना, एन को अगर आप थ्री पुट करते हो तो ए की जो वैल्यू हो जाएगी वो थ्री टाइम्स ऑफ ए इज थ्री टाइम्स ऑफ बी। तो दिस इज 4d माइनस ए की वैल्यू 3d, दिस इज इक्वल टू 16। तो वैल्यू ऑफ d जो मेरे पास आ गई वो कितनी आ गई ना, 16। ये भी पॉसिबल है ना। चलिए नेक्स्ट, अब आप देखो कि क्या a को मैं 4 पुट कर सकता हूँ, आई मीन n को मैं 4 पुट कर सकता हूँ। गाइज जैसे ही आपने n को 4 पुट किया ना, तो a किसके बराबर आ जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ d। और ये इक्वेशन अब क्या बन जाएगी, 4d माइनस क्या 4d, कितना आ जाएगा, 0, जो बिल्कुल पॉसिबल। This is 4d minus 4d equal to 16, which is not possible. ठीक है, equal to 16 जीरो आ जाएगा। इसका मतलब श्योर हो गया कि मैं n की वैल्यू कौन कौन से ले सकता हूँ, या तो 1 होगी या 2 होगी या 3 होगी। मुझे n क्या निकालना है, मिनिमम 1 तो पॉसिबल था ही नहीं, है ना। 2 पे जो वैल्यू थी 2 थी, या n की वैल्यू 3 थी, दोनों की दोनों वैल्यूज आपसे क्या कर दी, सेटिस्फाई। तो मुझे चाहिए मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम मैं कौन सी लूंगा, 2 ले लूंगा। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ n इज व्हाट, 2 आपके पास। आई होप ये सेट आपको क्लियर होगा, बहुत अच्छा सेट था। वैल्यूज आपको ऑप्टिमाइज करके देखनी है, परफेक्ट है मेरे हिसाब से SBI के लिए। ठीक है, तो आप एक बार प्लीज इसको खुद से ट्राई करना, और किस डायरेक्शन में जाना है इनिशियल स्टेज पे, अभी आप इसको मत देखना। ठीक है, जब तक आप एक बार खुद से ट्राई नहीं करते तो ना आप वीडियो सोल्यूशन नहीं दिखेगा। ठीक है, तो फिर भी अगर आपको कोई एक्सप्लेनेशन में प्रॉब्लम है, फाउंड एनी डिफिकल्टी, है ना, तो मैं आप एक बार प्लीज कमेंट कीजिएगा कि किस पार्ट में आपको दिक्कत है ना, आई विल डेफिनेटली एक्सप्लेन इट। ओके, चलिए, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो।